मुरादाबाद के थाना मुंडापाड़े में खुलेआम छत से फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फायरिंग के इस वीडियो में कई महिलाओं और पुरुषों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। घटना की वजह दो पक्षों में रास्ते का विवाद है। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष उनके रास्ते में कब्जा करते हुए गेट लगा रहा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने छत पर जाकर तमंचे से कई राउंड फायर कर दिए। फायरिंग का दूसरे पक्ष ने वीडियो बना लिया। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहनाज अली, कौन से काम रहते हो? बरकी मंडी है। क्या मामला हुआ है? मामला ये सर, मैं जंगल जा रहा था, मेरे साथ मारपीट करी, जाती करी फुल इन लोगों ने, इंजन लेकर आ रहा था मेरे साथ, मतलब मारपीट करने के बाद में फिर मैंने जब घर को आवाज़ दिया तो घर से लुटने गए, निकल के इन लोगों ने गोली चलाई मेरे ऊपर, छत पर खड़े होकर। क्या नाम है? इरफान, एक बेचा। इन दोनों भाइयों ने मेरे ऊपर गोली चलाई। किस चीज़ का विवाद है आपको जो गोली चलाई? विवाद इस चीज़ का कुछ नहीं है साहब, मेरा रास्ता तो आप देख लो, चले कितने परेशान हूँ मैं, वो तो आपने देख लिया मेरा रास्ता कितने परेशानी में, ये रास्ता ये वाला। क्या मामला, क्यों चलाई गोली, क्या ऐसी क्या जाती से मेरे रास्ते में दुकानों गेट खोल रहे हैं ये लोग अपना। कौन कौन है? ये बेचा और इरफान। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई, लेकिन पुलिस जो हमारी सुन के नहीं दे रही, रिपोर्ट लिखी गई हमारी। कितनी देर फायरिंग करी उसने? खाली बहुत टाइम उसने अद्धे बरसाए, कम से कम आधा घंटा अद्धे बाद बरसाए छत पे खड़े होकर। फायरिंग कितने राउंड? फायरिंग बाद में तमाम चले गए निकाल के, फिर वो कितने राउंड फायरिंग की? दो राउंड निकाले। किसी के लगी? नहीं लगी किसी के नहीं। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस हमारी सुन के नहीं दे रही। क्या कहा? कल रिपोर्ट में लिखी गई हमारी। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई। चौकी वाले आए थे या 100 नंबर वाले? चौकी वाले भी, 100 नंबर वाले भी थे। आप क्या चाहते हो? ये जो दरोगा, मतलब दरोगा की मौजूदगी में गेट टूटा हमारा। आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं इंसाफ। क्या नाम है आपका? हबीबा। कौन से गांव में रहते हो आप? बड़के मनाई है। अच्छा, क्या मामला हुआ यहाँ पर? हम गए पानी चला रहे मोटर, तो देखने गए तो हम पर आधा बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद डंडे बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर तमंचा लाया। उसके बाद फिर पैंट खोल गया, हमें बदतमीजी कर रहा, मैं लोनियों को बदतमीजी कर रहा। क्या नाम उन लोगों के? इरफान और बेचा। अच्छा, क्या मामला, क्यों विवाद कर रहे हैं वो, क्या चाहते हैं वो? वो फाटक खोल रहे हैं हमारे रोड में, तो हम वो रोड में मना कर रहे हैं, तो वो मान ना रहे हैं। हम फाटक लाए, हमारे फाटक पुलिस के सामने तोड़ दिया। अच्छा, कितने फायरिंग करे उसने? अगर तीन दो करके तीसरे कर दिया था। तीसरे कर रहा था। हाँ, और लोग सुन सुन के आ रहे हैं। इरफान ना करा, बेचा तरह था, उसकी माँ ऊपर बचा रही ना बच रहे, अलवाई डंडे दे रही। पुलिस आई थी? पुलिस तीन फेरे आए, फिर मारुति भर भर के। पुलिस सामने भी तमंचा था उस पे? हाँ ना, बात को आए पुलिस तो। कितने तमंचे थे? दो पे तो बुलाया, एक फेरी आया अपने आप ही। तमंचा एक पे था, दो पे? एक पे था। आतंकबाजी हो गया था, चश्मा लगा हुआ था, रुमाल बना हुआ था, ढाटा लगा हुआ। पुलिस ने क्या कहा आपसे? हमसे गए आपने मारा है, उन्होंने मारा, हमने कहा नीचे से मार लें, ऊपर से मारा है किस, तो किस, किस, चोट, मारा। चोट किस किसकी लगी है? हमारा एक विकलांग लोना है, उसे लग गया, भाजन आ गया। आपके? हम आस पास में दुख दुख हुए। आपके? हमें भी लगा गया, कूले पर लगे पड़ा एक अद्धा, इतने बड़े फंटी मारा। सर, मुरादाबाद के मोटापाड़े थाना क्षेत्र में जगह को लेकर विवाद हुआ था, क्या पूरा मामला था, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? गेट को लगाने का लेकर विवाद हो रहा था, इस पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है कल तारीख में 294-23-5456, और इसी के तहत एक दूसरा मुकदमा पंजीकृत हुआ है विवाद में, जिसने तमंचा पहुंचा दिखाया था, पार करने की कोशिश कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार करके उसे जेल कर दिया। तमंचा बरामद हो गया, जो तमंचा बरामद